एमकल डी3 टैबलेट इसे अल्केम लेबोरेटरी द्वारा बनाया जाता है। इसका जो पैक है वह 15 टैबलेट का, कॉस्ट जो इसका है 157 रुपीज़, जो मार्केट में ज़्यादा भी हो सकती है। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है ड्यूल मॉलिक्यूल है, कैल्शियम 500 mg है, प्लस विटामिन डी3 500 इंटरनेशनल यूनिट है। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है ये इस तरह से डिजाइन किया गया जो आपके कैल्शियम डिफिशियंसी को दूर करे। तो इसका इस्तेमाल कैल्शियम की डिफिशियंसी में किया जाता है। तो कब डॉक्टर आपको इसे रिकमेंड करते हैं, क्या डोज हो सकता है, कैसे आपको इसे लेना चाहिए, और जैसे कोई डोज मिस कर जा रहा है तो क्या करना चाहिए, और जैसे कि आपको उल्टी आ जा रही लेने के बाद 10-15 मिनट के बाद, तो क्या करना चाहिए। अगर आप पूरी जानकारी हिंदी में रखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और फ्यूचर में आप अपडेटेड रहना चाहते हैं बहुत सारे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। जेमकेल डी3 टैबलेट का जो इस्तेमाल किया जाता है वह कैल्शियम डिफिशियंसी और विटामिन डी3 की डिफिशियंसी में किया जाता है, जिसके वजह से आपका जो कैल्शियम का स्ट्रेंथ रहता है आपके बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, जो आपको होने वाले फ्यूचर में जो दर्द रहते हैं जैसे कि जॉइंट पेन, मसल्स पेन, या जैसे कि आपका लिगमेंट का पेन, वह कम होते हैं। जैसे कि आपकी एज थोड़ा हो गई है, 40-45 के ऊपर हो जाते हैं, तो जब आपको कैल्शियम की डिफिशियंसी रहती है, यानी जब आपके कैल्शियम यानी जो बोन डेंसिटी रहती है आपकी कम हो जाए, कमजोर हो जाती है, अगर वुमेंस हो तो ज़्यादा ही तकलीफ होती है, ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोमेलेसिस होता है, तब डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। या जैसे कि आप कहीं डॉक्टर के पास गए हैं, आपका जैसे कि बोलते हैं कि हमारे पाँव में घुटने में दर्द है, तभी डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आपकी कैल्शियम की डिफिशियंसी हो सकती है वहाँ पे, और इसे तभी भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं जब आपको फ्रैक्चर हुआ रहता है। तो इसका जो डोज रहता है वह ट्वाइस डेली डोज रहता है, मॉर्निंग और इवनिंग। इसे खाना खाने के पहले या बाद में भी ले सकते हैं, और जैसे कि आप इसे ले रहे हैं तो खाना खाने के आधा 1-1.5 घंटे बाद लें। और जैसे कि इसका जो डोज है ये लगभग 1 मंथ तक भी चल सकता है और 15 दिन तक भी चल सकता है। तो जिस तरह से डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं आपसे जरूर फॉलो करें। अगर आप कोई डोज मिस कर जा रहे हैं तो सिंगल डोज लें, अगर आप डबल डोज लेंगे तो हो सकता है पेट में गैसेज बने, आपको चक्कर आ सकता है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो एक बार डॉक्टर से इसके बारे में जरूर कंसल्ट करें। खुद से इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपको कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर जो कैल्शियम है ये कैल्शियम की डिफिशियंसी को दूर करता है, विटामिन डी3 है, विटामिन डी3 की डिफिशियंसी को दूर करता है, और ये हेल्प करता है कैल्शियम और फॉस्फोरस के अब्जॉर्प्शन में, जिसकी वजह से आपकी बोन डेंसिटी अच्छी होती है, आपकी हड्डी मजबूत होती है, और हड्डी जो टूटी हुई थी, फ्रैक्चर हुई थी, उसमें जो कि जुड़ने में भी फायदे मिलते हैं। तो अगर आप खुद से यूज करेंगे तो हो सकता है ये कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपको उल्टी आ सकती है, पेट में अपचन फील हो सकता है। तो अगर आप इसके साथ में अगर यूज करते हैं जैसे कोई PPI वाला प्रोडक्ट, पेंटाप्रिल डोमप्रिडोन वाला, तो काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। इसके वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, ये कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आप चैनल और वीडियो पर पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और जैसे कि जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा आपसे उम्मीद है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप फ्यूचर में अपडेटेड रहेंगे, और जैसे कि मुझे इंकरेजमेंट भी मिलता रहेगा आपका। अगर आपका डाउट डायरेक्ट वीडियो मुझे पूछ सकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।